नरेंद्र मोदी के जीवन में आएगा राजयोग का मंगल। राहुल गांधी के भाग्य में अभी राजयोग का मंगल नहीं। कल्किराम महाराज आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश ने लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर की भविष्यवाणी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे। कल्किराम महाराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न है। मंगल की ग्रह दशा शून्य अंश है, जिसके चलते वह 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री हैं और मंगल की ग्रह दशा के चलते हुए एक बार फिर से राजयोग के चलते देश की सत्ता शिखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। धर्म और आस्था को आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाएंगे। वहीं राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्षी दल का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रह दशा अभी राजयोग से दूर है और राहुल गांधी पर राहु की दशा चल रही थी। 2021 के बाद उनकी ग्रह दशा में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी जो ग्रह अनुमान और चक्र चल रहा है, उसमें राहुल गांधी मजबूत जरूर हुए हैं, लेकिन उनके भाग्य में राजयोग नहीं है। कांग्रेस की पिछले चुनाव की तुलना में सीट बढ़ेगी। कल्किराम महाराज की लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भविष्यवाणी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी की राशि में राजयोग अभी नहीं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। आज मैं 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उस बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ कि नरेंद्र मोदी के जीवन में आएगा राजयोग का मंगल, क्योंकि मंगलवार को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है और राहुल गांधी के भाग्य में अभी राजयोग का मंगल नहीं है। कैसे है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि मोदी नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, मंगल की ग्रह दशा जीरो अंश है, जिससे चलते वह 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री थे और मंगल की महादशा के चलते हुए एक बार फिर से राजयोग के चलते देश के सत्ता शिखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। क्योंकि मंगल ये जो ग्रह है वो सेनापति है और सेनापति होने के कारण देश का एक बार फिर से नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार करने वाले हैं और धर्म और आस्था को मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो दूसरी ओर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है, वो विपक्ष की भूमिका बजाने निभाएंगे और विपक्षी दल का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रह दशा अभी राजयोग से दूर है और राहुल गांधी पर राहु की महादशा चल रही है। 2021 के बाद उनकी ग्रह दशा में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी जो ग्रह अनुमान और चक्र चल रहा है, उसमें राहुल गांधी मजबूत जरूर है, लेकिन उनके भाग्य में राजयोग नहीं है और इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। पिछले सीटों के मुकाबले इस बार उनके अच्छे सीट भी आने वाली है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। Subscribe now to most exciting channel ever.